कि विपक्ष का जो नेता होता है उसको कोई चीज़ दूसरा चीज़ नहीं झलकता है। बिहार की जनता का समस्या नहीं झलकता है, बिहार की जनता को क्या चाहिए वो नहीं बुझाता। मैं समझता हूँ कि डबल इंजन की जो सरकार बनी है राज्य में बेहतर काम करेगी, अच्छा काम करेगी और जो जनता की आकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए हर संभव काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का निर्देश है कि हम लोगों को हमेशा जनता के सवालों के लिए उनके साथ जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमेशा मिलते जुलते रहना चाहिए। तो मिलने जुलने के कड़ी में एक ये भी काम है, जन सुनवाई कार्यक्रम है और इसमें भी हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, बात सुनते हैं और उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। केसी अगर लगातार कह रहे हैं कि जनरल राज आ गया बिहार में, लगातार कर रहे हैं जनरल राज बिहार में। देखिए विपक्ष का जो नेता होता है उसको कोई चीज़ दूसरा चीज़ नहीं झलकता है। बिहार की जनता का समस्या नहीं झलकता है, बिहार की जनता को क्या चाहिए वो नहीं बुझाता है। उनको तो कुछ ऐसी बात कह देना है जिससे ये जो टेलीविज़न पर सनसनीखेज खबर जो है वो आप लोग चलाते होंगे तो जनता का ध्यान मूल बिंदु से भटकाने के लिए सब बात कहते रहते हैं, उस पर उनके बातों में कोई दम नहीं है। और मैं समझता हूं कि डबल इंजन की जो सरकार बनी है राज्य में बेहतर काम करेगी, अच्छा काम करेगी और जो जनता की आकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए हर संभव काम करेगी। नीट में जो स्कैम हुआ है मंदिर जी, जो नीट पेपर लीक में जो धांधली उसको लेकर आरजेडी ने संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी का फोटो जेडीयू के कई नेताओं के साथ, मेरे साथ भी फोटो आरोप है आप लोग, इसका क्या मतलब है? आज यहाँ पर आप खुद मौजूद हैं और इसमें से बहुत लोग इसमें से फोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं, काम के लिए आते हैं, घूमते रहते हैं, इसका क्या मतलब है? जो जाँच हो रही है जाँच सही ढंग से हो, जांच को कोई प्रभावित नहीं करे और दूध का दूध पानी का पानी हो, जो इस तरह की घटना में सम्मिलित है चाहे कितने भी बड़े कद्दावर नेता क्यों नहीं हो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो तेजस्वी कह रहे आप लोग हिसाब दें, जो सम्राट चौधरी के भी एक सहायक हैं अमित आनंद उनको लेकर तस्वीर क्या बोला, सबका हिसाब दें आप। देखिए कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी होगी, जाँच हो रही है और ठीक ढंग से जाँच हो रही है और जांच को कोई प्रभावित भी नहीं कर सकता है और जो लोग की संलिप्तता है वो जरूर पकड़े जाएंगे, जरूर कानून के हवाले होंगे और उन पर सरकार सख्त से सरकार कार्रवाई करेगी ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। विपक्ष के द्वारा आरोप लेकर सर लगाया जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि संरक्षण दिया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा माफियाओं को, संरक्षण किनका मिल रहा है किनका नहीं मिल रहा है, किन किन संलिप्तता है, सबकी जाँच हो रही है और एक एक चीज़ की जांच हो रही है और कुछ लोग पकड़े गए हैं और कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो भी कानून के हवाले होंगे।